किसी को फोटो में नहीं रुचि लेना है तो ऐसे रहे। सब्जेक्ट चेंज करने के बाद में मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, उसके बाद में मैं पढ़ भी नहीं पाई और सना मैम और आयशा मैम ने मुझे कोचिंग पढ़ाया, उसके बाद ही मैं यहाँ तक पहुंची। अगर उन्होंने मेरा और इतने एक ही महीना था एग्जाम में तभी मैं उनके पास गई थी कोचिंग पढ़ने, तो भी उन्होंने मुझसे मना नहीं करा, उन्होंने मुझे कोचिंग पढ़ाया और जिससे मैं पास हुई। मेरे छोटे बहन भाई भी है वो मम्मी की जी, घर की जिम्मेदारी पढ़ाई में क्या दिक्कत? मुझे भी लगा था कि मुझे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए घर को देखकर, पर मैंने ऐसा नहीं किया। आपकी मदर एक्सपायर हो गई थी। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी की फ्रूट्स की आड़त है। अब कैसा लग रहा है आपको? अब बहुत अच्छा लग रहा है, इससे ज्यादा खुशी की कोई बात ही नहीं। आगे क्या बनना चाहती हैं? आगे डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर ही क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी का सपना है और एक मम्मी की वजह थी जो मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, बाकी सब लोगों से बोला ही था कि कौन सी क्लास में थी आप? हाँ, कितना परसेंटेज आपको? 83%। क्या बनना चाहते हैं? क्या कर रही है? डॉक्टर ही क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा ही महंगाई हो गई है तो सर लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं डॉक्टर। अच्छा, कौन सी क्लास में? क्या बनना चाहते हैं आप? टीचर। कितनी परसेंटेज आपकी? 75। कौन सी क्लास में? क्या बनना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर। हाँ, कौन सी क्लास की है? 12। हाँ, कितने परसेंटेज आई आपकी? 83.6। अच्छा, क्या बनना चाहते हैं? मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। परसेंटेज कितनी है आपकी? 82.6। क्या बनना चाहती हैं आप? डॉक्टर क्यों बनना चाहती हैं? क्या फर्क, कितनी परसेंटेज है आपकी? मेरी 83। क्या बनना चाहती है? सर, आई वांट टू बी अ इंजीनियर, इन सिविल इंजीनियरिंग।